झारखंड में लंबे समय से सहायक पुलिसकर्मी स्थायी नौकरी देने की मांग कर रही हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी सहायक पुलिसकर्मियों ने धरना देकर अपने गुस्से का इजहार किया है। गौरतलब है कि 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली हुई थी। 7 साल से ये पुलिसकर्मी सेवा आयोजन और अनुबंध की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी तो बच्चों को गोद में लेकर धरना स्थल में डटी हुई नजर आई। वहीं पुलिस ने कहा कि विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू की गई है, इसके बावजूद विधानसभा गेट के बाहर उनके धरने पर बैठने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। समझाने बुझाने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया। धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों की बातचीत CMO अविनाश कुमार से कराई गई है। क्या वार्ता के लिए लाया गया? वार्ता के लिए CMO सर से, अविनाश सर से बात कर रहे हैं। बुलाया गया है नहीं बुलाया गया? SP सर, DC सर बोले कि अविनाश सर जो है CMO सचिव में उन्हीं के वार्ता कराने के लिए बुलाया। सरकार की ओर से बुलाया गया? हाँ, सरकार की ओर से बुलाया गया। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो 100% है कि उनका काम करना हो, क्योंकि 7 वर्षों से गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे 24 घंटा ड्यूटी 10,000 में कर रहे हैं, जो कि आज के युग में भरण पोषण ड्यूटी वर्दी भत्ता जूता वगैरह संभव नहीं है। और सरकार इस तरह से अगर अनदेखा कर रही है तो ये लोकतंत्र के लिए, गरीब आदमी के लिए अच्छा नहीं है। आशा करते हैं कि हमारे प्रति सहानुभूति रखते हुए इसका यथाशीघ्र निदान किया जाए। मांगे हैं कि आप, 7 वर्षों से पुलिसिंग का अनुभव है पुलिस डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस सरकार थी तो सहायक आरक्षक को वहां पर आपका छत्तीसगढ़ पुलिस में समायोजित कर दिया गया था, तो हम भी चाहते हैं कि 7 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर आप झारखंड पुलिस में समायोजित करके इस समस्या को हमेशा के लिए समाधान कर दीजिए। फिर मिलते हैं सर, थोड़ा सा 10 मिनट। वहीं JMM के विधायक हफीजुल अंसारी ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को अभी धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं को सुलझा देगी। पुलिसकर्मी बाहर धरने पे बैठे हैं जी, सदन के दरवाजे तक। देखिए, वो तो हम सही बात है, लेकिन अभी उनको आज बैठना जरूरी नहीं था। हम लोग अब फिर नए सिरे से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में फिर उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। अब बात करके जो भी समस्या है सुलझाने लायक उसको सुलझाए। लेकिन लंबे समय से उनका आंदोलन चल रहा है, एक मुराबादी में वो लोग धरनारत हैं। तो देखिए, अभी वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो उन लोगों को ठीक है, धरना है, धरना देना है। लेकिन अब जो कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नया पारी, उसमें सारी बातें बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत लोगों का, शिक्षक का भी है और छोटे छोटे कर्मचारियों का है, उस सब का समाधान करें। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई के मोड़ में नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि हेमंत सरकार इन सहायक पुलिसकर्मियों की मांग को जल्द ही पूरा करेगी। पंजाब केसरी TV के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।